हेलो दोस्तों, होप आप सब बढ़िया हैं। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो नया साल आया है ये हम सबके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारी बाइक में जो सामने का जो व्हील है उसमें कुछ इस तरीके का डिस्क ब्रेक का सेटअप आता है, और बहुत सारी बाइक में जो सामने का व्हील है और जो पीछे का व्हील है उन दोनों व्हील में डिस्क ब्रेक का सेटअप आता है। अब इस डिस्क ब्रेक में प्रॉब्लम ये है कि अराउंड 30-35,000 किलोमीटर चलने के बाद ये डिस्क ब्रेक जो है वो जाम होने लगते हैं, ठीक है। और इससे प्रॉब्लम ये होता है कि जो आपका बाइक का पिकअप है वो आपको ऐसा लगता है कि कम हो गया है, और कभी कभी तो ये व्हील इतना ये डिस्क ब्रेक इतना जाम हो जाता है कि आपका व्हील घूमता ही नहीं है, ठीक है। और इससे बाइक का माइलेज भी कम हो जाता है और बाइक का जो इंजन है वो ज़्यादा हीट भी करने लगता है। तो अगर आपके बाइक का डिस्क ब्रेक जाम चल रहा है या फिर लॉक हो गया है तो आप उसे कैसे घर पर ठीक कर सकते हैं ये मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें जो डिस्क ब्रेक कैलिपर पिस्टन पूरा सेट है उसे खोलना होगा, और उसे खोलने के लिए जो 2 12 mm के बोल्ट है उसे हमें लूज़ करना होगा। और दोस्तों मैं आपको एक वादा करता हूँ, ये वीडियो इतने अच्छे तरीके से मैंने डिटेल में बनाया है कि अगर आप ये वीडियो बिना स्किप करे देख लेते हो पूरा तो आप ये काम खुद से ही घर पर कर सकते हो दोस्तों। जी हाँ, यह काम आप खुद से ही घर पर कर सकते हो अगर आप ये वीडियो बिना स्किप करे पूरा देख लेते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमने जो दोनों 12 mm के बोल्ट होते हैं उसे लूज़ कर लिए है, और इस तरीके से हमें उसे बाहर निकाल लेना है। और नट बाहर निकालने के बाद हमें कुछ जो कैलिपर पिस्टन का पूरा सेट है उसे इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अंदर गंदगी भर चुकी है दोस्तों, इसी की वजह से जो हमारा डिस्क ब्रेक है वो जाम हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो डिस्क पैड होता है उसका जो लॉक होता है उसे हमें बाहर निकालना है। तो हर एक जो बाइक होता है उसका डिस्क ब्रेक के हिसाब से ये जो लॉक अलग तरीके का हो सकता है, मेरे बाइक में कुछ इस तरीके का है। तो उसके पहले वो लॉक जो बाहर निकालने से पहले जो उसका स्टॉपर पिन होता है उसे मैं निकाल लूँगा, ठीक है। अब ये जो रॉड है जिसके सहारे जो डिस्क पैड है वो डिस्क ब्रेक के अंदर लगा हुआ है उसे हम बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हो तो ये जो स्टॉपर पिन है जो रॉड लगा हुआ होता है उसका ये स्टॉपर पिन है, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद ये जो रॉड लगा हुआ है जिसके हेल्प से जो हमारा डिस्क पैड है वो डिस्क ब्रेक में लगा हुआ है उसे हम बाहर निकालेंगे। तो उसे बाहर निकालने के लिए हमें कुछ इस तरीके का जो स्क्रू ड्राइवर है वो लगने वाला है, ठीक है। तो हमें उसे इस जगह पे ऐसे लगा के इस साइड से ऐसे हथौड़ी से मारना होगा, तो जो रॉड है पतला सा वो बाहर आ जाएगा और हमारा जो डिस्क पैड है वो भी हमारा उसके साथ बाहर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो हमने इस रॉड को बाहर निकाल लिया है, कुछ इस तरीके से इसे बाहर निकाल लेना है। इसे बाहर निकालते ही जो हमारा डिस्क पैड है वो भी बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हो ये डिस्क पैड जो है ऑलमोस्ट 80% ख़त्म हो गया है, तो इसे भी हम चेंज कर देंगे लगे हाथों। और इसके अंदर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गंदगी हो रखी है। ये जो गंदगी होती है दोस्तों यही मेन कारण होता है जिसके वजह से जो हमारा डिस्क ब्रेक है दोस्तों वो जाम हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम ये काम करेंगे कि जो ऊपर का जो ये और एक पार्ट है जो डिस्क ब्रेक में लगा हो इसे हम बाहर निकालेंगे। तो इसे निकालने से पहले आप देख सकते हो ये जो रबर है उसे हम प्रॉपरली ठीक से बाहर कर लेंगे ताकि वो रबर फटे ना, क्योंकि हमें रबर वापस आगे जाके यूज़ करना है। तो इस पार्ट को भी हमने बाहर निकाल लिया। ये पार्ट एक्चुअली बाइक के शॉकर से लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये निकालने के बाद अभी हमें क्या करना है, हमें धीरे धीरे जो हमारा ब्रेक का लीवर होता है उसे प्रेस करना है। जैसे हम ब्रेक का लीवर प्रेस करेंगे तो ये जो पिस्टन जो है वो ऐसे, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से पिस्टन बाहर आने लगेंगे, ठीक है। तो आपको ब्रेक लीवर प्रेस करते रहना है, लेकिन इस केस में आप देख सकते हो जो ऊपर का पिस्टन है वो आसानी से बाहर आ गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे केस में जो नीचे का पिस्टन था वो जाम था, ठीक है दोस्तों, जिसकी वजह से हमारा ब्रेक जाम चल रहा था। तो इतना जब दोनों पिस्टन बाहर आ जाते हैं उसके बाद हमें दोस्तों एक कंटेनर ले लेना है, ठीक है, क्योंकि जो ब्रेक ऑयल है उसे हमें इस कंटेनर में कलेक्ट करना है। आप देख सकते हो जो पिस्टन है वो कितना गंदा हो रखा है। और दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ब्रेक ऑयल है ये आपके बाइक के पेंट के ऊपर ना गिरे, नहीं तो ये आपके बाइक का पेंट ख़राब कर देगा, ठीक है दोस्तों। और अगर गिर जाए तो आपको जल्दी से उसे कपड़े से पोंछ लेना है। तो उसके बाद जो ये ब्रेक का
पाइप है जिससे कि ब्रेक ऑयल नीचे कैलिपर पिस्टन में आता है उसे भी हम लूज़ कर लेंगे, उस नट को भी, वो भी 12 mm का बोल्ट है, उसे हम लूज़ कर लेंगे। और उसके साथ दोस्तों दो वॉशर लगे हुए होते हैं, उसे भी हमें संभाल के रखना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको क्लोजअप शॉट में दिखाता हूँ कि ये कैलिपर पिस्टन जो सेट है वो कितना गंदा हो रखा है। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हो दोस्तों, मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ कि टोटल यहाँ पे टोटल 4 ओरिंग है, हर एक पिस्टन की जगह पे 2 ओरिंग है। बाहर की तरफ पतला ओरिंग लगा हुआ है और अंदर की तरफ मोटा ओरिंग लगा हुआ है दोस्तों। और हमें इस काम में इन्हीं ओरिंग को चेंज करना है, क्योंकि दोस्तों जब ये ओरिंग ख़राब हो जाते हैं उसके बाद ही हमारा जो डिस्क ब्रेक है वो जाम चलने लगता है, ठीक है। तो ये ओरिंग किट जो है दोस्तों, आप देख सकते हो पतला वाला ओरिंग सबसे पहले बाहर की तरफ होता है। अब निकालता हूँ, आप देख सकते हो, ये देखो ये पतला वाला ओरिंग है और अंदर की तरफ एक मोटा वाला ओरिंग है, तो उसे भी हम इसी तरीके से बाहर निकालेंगे। और इस ओरिंग को बाहर निकालने के बाद, आप देख सकते हो अंदर की तरफ मोटा वाला ओरिंग है, तो इसे भी हम देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर, तो इसे भी हम बाहर निकालेंगे। इन दोनों मोटे वाले ओरिंग को भी हम बाहर निकाल लेंगे। और इसके बाद ये जो रबर्स लगे हुए हैं दोनों साइड, उसे भी हम बाहर निकाल के इसे प्रॉपरली डीजल से वॉश कर लेंगे। तो उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। आप देख सकते हो हमने प्रॉपरली जो कैलिपर पिस्टन का पूरा सेट है उसे डीजल से एकदम अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। तो अब हम इसे प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं ये वो है हमारा कैलिपर पिस्टन का ओरिंग किट, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये मैं होंडा का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हीरो में मुझे ये ओरिंग किट मिला नहीं, और अभी तक हीरो और होंडा बहुत सारे गाड़ियों में सेम पार्ट्स यूज़ करता है। तो मैं पार्ट नंबर जब मैं होंडा के शोरूम में जब मैंने बोला, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे पार्ट नंबर देख के ये कैलिपर पिस्टन ओरिंग जो किट है वो मुझे दे दिया, ठीक है। आप देख सकते हो टोटल इसमें 4 ओरिंग हैं, 2 मोटे ओरिंग हैं और 2 पतले ओरिंग हैं। जो मोटे ओरिंग हैं वो अंदर की तरफ लगते हैं, और जो ये मोटे ओरिंग का काम ये है कि जो ऑयल होता है उसे बाहर आने से ये रोकता है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, जो उसका ऑलरेडी जहाँ पे उसका प्लेस है वहाँ पे उसको ऐसे प्लेस करके आपको बस इसे चारों तरफ से ऐसे प्रेस करना है, और ये आसानी से अपनी जगह पे बैठ जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी आसानी से ये अपनी जगह पे बैठ गया है, मतलब इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी होने नहीं वाला है, ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये आराम से जब आप करोगे आपको समझ जाएगा। आप देख सकते हो अपनी जगह पे आराम से ये बैठ गया है। तो इसी तरीके से हम चारों जो ओरिंग है उसे लगा लेंगे, मोटा वाला ओरिंग अंदर लगने वाला है और पतला वाला ओरिंग बाहर की तरफ लगने वाला है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम अपना जो ओरिंग है वो हम लगा लेंगे। तो 4 ओरिंग हमने अभी इसमें लगा लिए। तो इसके बाद बारी आती है हमारे पिस्टन की। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से हमने चारों के चारों ओरिंग लगा लिए हैं अंदर की तरफ, ठीक है। तो जो नया ओरिंग किट है वो लगने के बाद जो पिस्टन है उसे हम उसके जगह पे फिट करेंगे। आप देख सकते हो पिस्टन को हमने प्रॉपरली डीजल से वॉश कर लिया है, ठीक है। तो पिस्टन को उसके जगह पे डालने से पहले हम पिस्टन के ऊपर जो ब्रेक ऑयल होता है उसे लगा लेंगे, ताकि थोड़ा सा ल्यूब्रिकेशन हो जाए, ठीक है। और इस तरीके से हमें उसे अंदर की तरफ ऐसे प्रेस करना है। तो थोड़े से और लुब्रिकेशन के लिए हम ये करेंगे कि अंदर की तरफ भी थोड़ा सा हम जो ब्रेक ऑयल है उसे अप्लाई कर लेंगे। ऐसे उंगली में आपको ब्रेक ऑयल लेना है और अंदर की तरफ भी आपको ऐसे ब्रेक ऑयल जो है उसे अप्लाई कर लेना है। और उसके बाद जो हमारा पिस्टन है उसे अंदर की तरफ ऐसे प्रेस करना है। आप देख सकते हो आपको धीरे से आराम आराम से उसे प्रेस करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। आपको कुछ इस तरीके से उसे अंदर की तरफ ऐसे धीरे धीरे करके प्रेस करना है, ठीक है। और इसके बाद मैं आखिरी में एकदम आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप ये जो पिस्टन है उसे अंदर की तरफ डाल सकते हो, ठीक है। तो दूसरा जो पिस्टन है उसे भी हम उसके जगह पे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। आप देख सकते हो मैं वापस उसके अंदर की जगह पर वहाँ पर प्रॉपरली जो ब्रेक ऑयल है उसे अप्लाई कर रहा हूँ, और पिस्टन के ऊपर भी मैं उसी तरीके से जो ब्रेक ऑयल है उसे ठीक से लगा लूँगा, ठीक है। इससे होगा ये कि प्रॉपरली एक ल्यूब्रिकेशन हो जाएगा और जो पिस्टन है वो आसानी से अंदर चला जाएगा। तो हम इस पिस्टन को भी उसके जगह पे ऐसे बिठा के अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे। तो जो मैं आसान तरीके की बात कर रहा था वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आप देख सकते हो हमने हाथ से प्रेस करके थोड़ा थोड़ा पिस्टन को अंदर कर लिया है। तो उसके बाद हमें कुछ इस तरीके का पाना लेना है और यहाँ पे उसे ऐसे लगा के पिस्टन को अंदर की तरफ प्रेस कर देना है।
आप देख सकते हो कितनी आसानी से दोनों पिस्टन अपनी जगह पे फिट हो गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद बारी आती है दोस्तों, ये जो दोनों रबर हमने यहाँ पे निकाले थे उनकी बारी आती है। तो सबसे पहले हम ये जो ऊपर वाला रबर है उसे लगा लेंगे। आप देख सकते हो ये रबर जो ऊपर यहाँ पे लगा हुआ था, तो उसे हम इसके जगह पे वापस फिट कर देंगे। ये बहुत आसानी से फिट हो जाएगा। ये देखो, ये अपनी जगह पे बहुत ही अच्छी तरीके से फिट हो गया है। प्रॉपरली इसे चेक कर लेना एक बार, आप देख सकते हो। हाँ, ये अपनी जगह पे प्रॉपरली फिट हो गया है। तो ये रबर फिट होने के बाद ये जो दूसरा रबर है उसे भी हम उसकी जगह पे फिट करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ग्रीस लगा लेंगे और थोड़ा सा इसे इस तरीके से अंदर पुश करेंगे। ठीक है, तो ये स्क्रू ड्राइवर पॉइंटेड था, तो इसके वजह से हम जो स्क्रू ड्राइवर का आएगा जो पॉइंट है वहाँ पे ये कपड़ा लगा लेंगे, और उसके मदद से हम इस रबर को बाहर की तरफ से पुश करेंगे। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीस लगा लिया है ताकि ये जो रबर है प्रॉपरली अंदर जा सके। आप देख सकते हो ये प्रॉपरली अपने जगह पे, ये जो दूसरा रबर है वो भी प्रॉपरली फिट हो गया है। ठीक है, तो ये रबर जब दोनों फिट हो जाएंगे तो उसके बाद जो पार्ट हमें फिट करना है वो है, जो आपने देखा होगा यहाँ पे एक स्टील जैसा कुछ लगा हुआ होता है, वो एक्चुअली इसलिए लगा होता है ताकि जो हमारा ब्रेक पैड्स है वो आवाज़ ना करे। ठीक है, तो उसे हम लगाएंगे। आप देख सकते हो उस पार्ट के ऊपर एक एरो है जो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो उस एरो को हमें ऊपर की तरफ रख के इस स्टील को उसकी जगह पे फिट कर देना है। अब आप देख सकते हो ये प्रॉपरली अपनी जगह पे फिट हो गया है। जी हाँ, ये अपनी जगह पे प्रॉपरली अभी फिट हो गया है। ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ, ये अपनी जगह पे प्रॉपरली फिट हो गया है। तो इसके बाद ये जो हमने इसके ऊपर का जो पार्ट निकाला था, आपको दिखाता हूँ मैं, जो एक्चुअली शॉकर के ऊपर लगा हुआ होता है ये वाला पार्ट, इसे हम लगाएंगे। तो इसे लगाने से पहले यहाँ पे हम एकदम हल्का सा ग्रीस लगा लेंगे ताकि यहाँ पे प्रॉपरली एक लुब्रिकेशन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हमें ग्रीस लगाना है, लेकिन एकदम थोड़ा ग्रीस लगाना है, ज़्यादा ग्रीस नहीं लगाना है। ठीक है, एकदम थोड़ा सा इसके ऊपर ग्रीस लगाएंगे और इस पार्ट को भी उसके जगह पे जैसे हमने निकाला था वैसे इसको इंस्टॉल कर देंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ही आसानी से अंदर जाना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हो ये हम लेते हैं इस पार्ट को और इसे इसके जगह पे प्रॉपरली यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। आप देख सकते हो ये अपनी जगह पे प्रॉपरली बैठ गया है। ठीक है, आप देख सकते हो कितनी आसानी से अंदर चला गया है। तो इसे एकदम परफेक्ट काम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारा अभी ये डिस्क कैलिपर पिस्टन सेट है वो रेडी हो रहा है। तो इसके बाद बारी आती है हमारी डिस्क पैड की। तो डिस्क पैड भी हम होंडा का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हीरो में जो डिस्क पैड था वो अवेलेबल नहीं था। तो जो पार्ट नंबर होता है वो होंडा के सर्विस सेंटर में मैंने बताया और ये डिस्क पैड मैं वहाँ से लेके आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम डिस्क पैड को भी इंस्टॉल करते हैं अपनी इसकी जगह पे। आप देख सकते हो ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। ये पहला वाला डिस्क पैड लग गया, और दूसरा वाला डिस्क पैड लगाने से पहले इस जगह पे हम थोड़ा सा ग्रीस लगा लेंगे क्योंकि जो दूसरा वाला डिस्क पैड है उसका यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, आप देख सकते हो ये डिस्क पैड ऐसे लग जाता है। ठीक है, अब दोनों डिस्क पैड भी हमारे नए लग चुके हैं। तो इसके बाद हम जो डिस्क पैड जो स्टॉपर होता है उसे लगाएंगे। ये जो डिस्क पैड स्टॉपर जो रॉड है इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ग्रीस लगाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा ग्रीस नहीं लगाना है, आपको एकदम हल्का हल्का ग्रीस लगाना है। ठीक है, तो इस रॉड को हम ग्रीस लगा के प्रॉपरली इसके ऊपर इसे भी इसके जगह पे हम वहाँ पे फिट कर देंगे। तो एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉड है क्योंकि इसके हेल्प से ही जो डिस्क पैड दोनों है अपने जगह पे रुके हुए होते हैं। तो इसे हमें ऐसा जो स्क्रू ड्राइवर है उसे लगा के हथौड़ी से ठोकना पड़ेगा ताकि वो अपने जगह पे अंदर प्रॉपरली फिट हो जाए। आप देख सकते हो ये प्रॉपरली अपने जगह पे फिट हो गया है। मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, ये अपने जगह पे प्रॉपरली फिट हो गया। तो इसके बाद ये जो उसका लॉक होता है वो हमें लगा देना है ताकि वो रॉड कभी गलती से बाहर ना आ जाए। तो चलिए हम जो उसका लॉक होता है उसे लगा लेते हैं। एकदम आसानी से हाथ से ही लग जाएगा लॉक। वहाँ पर एक जगह उसका बना हुआ होता है, उसको देख के आपको वहाँ पर उसके अंदर उसको पुश कर देना है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से उसे आसानी से वो अंदर चला जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये देखो, ये अपनी जगह पे फिट हो गए। तो अब हमारा ये ऑलमोस्ट जो कैलिपर पिस्टन सेट है वो पूरा रेडी हो गया है। बस एक चीज़ बचा है और वो ये है कि हमें अब इसके
इसका जो एयर नट, हम जो एयर नट होता है जो हमने निकाला था, उसे हम इसके जगह पे फिट कर देंगे। तो एयर नट फिट करने से पहले उसका जो डस्ट कैप होता है उसे हम प्रॉपरली उसे हम फिट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने एकदम डिटेल में बनाया ताकि अगर आप इसे प्रॉपरली देख लो तो आपको हर एक काम समझ आ जाए और आप ये काम घर पर ही कर सको, ठीक है। तो एयर नट हमने उसके जगह पे हमें फिट कर लेना है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। इससे हम इस तरीके से उसके जगह पे फिट कर देंगे। इसे हमें फ़िलहाल फुल टाइट नहीं करना है क्योंकि हमें बाद में यहाँ से एयर निकालने के लिए हमें इसे लूज़ करना ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर अब तक ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हो नया, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे अच्छे कंटेंट पे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए अब हम इसे बाइक के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। आप देख सकते हो इस तरीके से इसे ऐसे अंदर डाल के जो दो 12 mm के बोल्ट हमने लूज़ किए थे उसे हमें यहाँ पे टाइट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम 12 mm के बोल्ट जो है उसे टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि मैंने देखा है मेरे चैनल पे व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं वीडियोस पे, लेकिन मतलब 100% में से सिर्फ 1% लोग ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो दोस्तों बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस आपका एक सब्सक्राइब मांग रहा हूँ। एक बंदा अगर एक सब्सक्राइब कर देगा तो मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन होगा वो, और आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मतलब मुझे ऐसे अच्छे कंटेंट और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाने में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, ठीक है दोस्तों। तो दोनों नट हमने 12 mm के टाइट कर लिए हैं। इसके बाद जो ऑयल का पाइप हमने ब्रेक ऑयल का पाइप जो निकाला था उसे भी हम टाइट कर लेंगे, और हमें ध्यान रखना है कि उसके साथ दो वॉशर थे, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हो ये दोनों 12 mm के बोल्ट हमने प्रॉपरली टाइट एकदम सही से टाइट कर लिया है। अब ये प्रॉपरली टाइट होने के बाद यहाँ पे जो 12 mm का बोल्ट था उसे भी हम टाइट कर लेंगे, जो बेसिकली जो अपना ब्रेक वाल का पाइप है उससे उसके जगह पे टाइट कर देंगे, ठीक है। तो उसके साथ टोटल दो वॉशर आए थे, आपको मैं दिखा देता हूँ। एक इसके अंदर लगता है और एक बाहर लगता है। तो अंदर का वॉशर पहले से अंदर है, तो इसे हम ऐसे यहाँ पे ऊपर डाल के इसके ऊपर का जो वॉशर है उसे डाल के बाद में ये 12 mm का बोल्ट हम उसके जगह पर टाइट कर देंगे ऐसे कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो हमने इस बोल्ट को भी टाइट कर लिया है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आसानी से टाइट हो जाता है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये। तो इस बोल्ट को भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपके ये बहुत काम आने वाला है। तो ये बोल्ट भी हमने कुछ इस तरीके से टाइट कर लिया है, आप देख सकते हो ये हमने एकदम सही से टाइट कर लिया है। तो इसके बाद जो हमारा जो ब्रेक वाल का जो कंटेनर होता है ऊपर उसे हमें खोल लेना है। तो उसे खोलने के लिए हमें टोटल दो स्क्रू लूज़ करने होंगे। तो उसे हम प्रॉपरली ऐसे लूज़ कर लेते हैं दोनों स्क्रू को। उसे लूज़ करने के बाद आप देख सकते हो, एक सेकंड, यहाँ पे ये सब मैं निकाल लेता हूँ। ये निकाल लिया, आप देख सकते हो अंदर की तरफ मैंने प्रॉपरली जो अंदर भी मतलब बहुत सारा गंदा था उसे भी मैंने क्लीन कर लिया है। तो इसके अंदर अब हम ब्रेक ऑयल डालने वाले हैं, और जो ब्रेक ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं वो है DOT 3 ब्रेक ऑयल, ठीक है दोस्तों। DOT 3 या फिर आप DOT 4 कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं DOT 3 यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर DOT 3 आसानी से मिल गया मुझे, ठीक है। तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो जो रिजर्वायर है ब्रेक ऑयल का उसे हम प्रॉपरली ऐसे फिल कर लेंगे, और उसके बाद मैं नीचे की तरफ चलता हूँ और को दिखाता हूँ। जो एयर नट है दोस्तों उसे हमें थोड़ा सा लूज़ कर लेना है, और उससे हमें उसके ऊपर हमें इस तरीके से एक पाइप लगा लेना है, ठीक है। और ये पाइप एक स्ट्रॉ का काम करेगा। मैं स्ट्रॉ का काम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके दूसरे इस ये पाइप का जो दूसरा एंड है वहाँ से हमें हवा को खींचना है। इससे एक 5-10 सेकंड में आप देख सकते हो जो ब्रेक ऑयल है वो यहाँ तक आ गया है। और इस मेथड में दोस्तों 1% भी आपका अंदर एयर नहीं बचता है दोस्तों,
ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जब आप यहाँ पर नीचे से इस पाइप से हवा खींचते हो तो ऊपर की तरफ जो ब्रेक ऑयल का कंटेनर है वहाँ पे आपको ऑयल डालते रहना है, क्योंकि अगर वहाँ पे ऑयल कम हो गया तो नीचे वापस यहाँ पे एयर पकड़ लेगा ये दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ऑयल डालते रहना है और यहाँ से आपको हवा खींचना है, वहाँ से आपको ऑयल डालते, ऊपर से आपको ऑयल डालते रहना है और नीचे से आपको इस पाइप से खींचना है उसे। और जब ये ऑयल आपको यहाँ पर पाइप में दिख जाए उसके बाद आपको जो ये एयर नट है उसे टाइट कर लेना है, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने एयर नट को टाइट कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे हमें ब्रेक को प्रेस करना है। आप देख सकते हो एक 5 से 10 बार मैंने ब्रेक को प्रेस किया और मेरा ब्रेक एकदम सही से काम करने लगा। तो रिजर्वायर को हम प्रॉपरली फील कर लेंगे और उसके बाद हम इसे यहाँ पे प्रॉपरली इसके जगह पे जो इसका ऊपर का कवर होता है उसे हम टाइट कर लेंगे। और टाइट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा ब्रेक अब किस तरीके से काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोनों स्क्रू जो है उसे हमने प्रॉपरली टाइट कर लिया है और यहाँ पे हम कपड़े से पहले थोड़ा क्लीन कर लेते हैं ताकि कोई बाद में आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपको टायर दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ब्रेक अब कैसे काम कर रहा है। आप देख सकते हो टायर मैं घुमा रहा हूँ और ब्रेक एकदम टाक एकदम सही से लग रहा है। मैं टायर घुमा रहा हूँ, ब्रेक एकदम सही से लग रहा है, मतलब एकदम स्मूथ चल रहा है अभी ब्रेक, और पहले यही ब्रेक जाम चल रहा था। तो थैंक यू दोस्तों, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।